अस्सलाम वालेकुम यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको ये खूबसूरत से कटवर्क बनाना सिखाऊंगी। पहले वीडियो में मैंने जो कटवर्क बनाए थे वो मैंने ट्रेस करके बनाए थे। आज की वीडियो में मैं मशीन के साथ आपको कटवर्क बनाना सिखाऊंगी। विदाउट ट्रेस मशीन खुद बहुत ही कटवर्क बनाएगी। कटवर्क हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको डेकोरेटिव स्टिच के साथ कटवर्क बनाना सिखाऊंगी। इन कटवर्क को हम स्लीव्स, दामन और ट्राउजर पे भी बना सकते हैं। मैं आज दुपट्टे के ऊपर ये कटवर्क बनाऊंगी। ये दुपट्टा है जिसके ऊपर मैं कटवर्क बनाऊंगी। खाड़ी नेट का ये दुपट्टा है, स्टफ आप देख सकते हैं। दुपट्टे की दोनों साइड पे ये बॉर्डर बना हुआ है और ये पेंट से बना हुआ है। ये वाली स्ट्रिप को हम कटिंग करके सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी स्ट्रिप के ऊपर मैं कटवर्क बनाऊंगी। ये सिल्क थ्रेड है, इसे मैं कटवर्क के लिए यूज करूंगी। और ये बोबन में मैंने ओवरलॉक वाला थ्रेड फिल किया है और साथ में ये फुट है, इससे कटवर्क रेडी होंगे। अब मैं आपको मशीन से डिजाइन दिखा देती हूँ। ये 1 से लेके 53 डेकोरेटिव स्टिचेस हैं। इनसे हम अपने कपड़ों के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैंने इनसे काफी ज्यादा 5 भी डिजाइन किए हैं। 22 और 29 से कटवर्क के डिजाइन बनते हैं। एक डिजाइन को सिलेक्ट करके हम 5 डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आज मैं 29 नंबर वाले डिजाइन से कटवर्क बनाऊंगी। LCD से भी मैं आपको सारा मेथड बता देती हूँ। इधर प्रेस करने से हम डिजाइन लेके आएंगे। ये डिजाइन आ चुके हैं, 29 वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 29 वाले पे प्रेस करेंगे तो डिजाइन सिलेक्ट हो जाएगा। डिजाइन हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका साइज सिलेक्ट करना है कि किस साइज के हमने कटवर्क रेडी करने हैं। यहाँ से हम 4 पे कर लेंगे। साइज सिलेक्ट हो चुका है और ये मशीन के ऊपर मेंशन है A और F। F फुट से भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं और A फुट के साथ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं F फुट को सेट कर लूंगी। फुट सेट करना भी बहुत आसान है। ये देखें, फुट सेट हो चुका है हमारा। कटवर्क बनाने के लिए ये नीचे पेपर सेट कर लेंगे। पेपर यूज करने का ये फायदा होता है कि ये आसानी से रिमूव हो जाता है। जब कटवर्क बन रहे होते हैं साथ साथ ही ये सेपरेट हो जाता है। पेपर को हम सिलाई लगा के पहले सेट कर सकते हैं और साथ साथ भी हम सेट कर सकते हैं। साइड से मैंने कटवर्क बनाना स्टार्ट किए हैं और कॉर्नर्स भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कॉर्नर्स किस तरह बनाने हैं। दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सोल्डरिंग आयरन से कटवर्क नीट करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितने नीट कटवर्क रेडी हुए हैं। और ये बैक साइड भी आप देख लें। बैक साइड से ये थोड़ा सा आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये मैंने व्हाइट थ्रेड यूज किया है इस वजह से नजर आ रहा है। अगर हम पिंक ही यूज करते तो नीचे से ये व्हाइट थोड़ा सा भी नजर नहीं आना था। पेपर डिजाइनिंग के साथ ही कट हो गया, जो रह गया वो हम रिमूव कर लेंगे। और बैक साइड पे थोड़ा सा जो पेपर होता है वो वॉश के बाद निकल जाता है। अगर वो ना भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैक साइड पे भी अगर हम सेम थ्रेड यूज कर लेंगे तो वो नजर ही नहीं आएगा।
29 नंबर वाले डिज़ाइन की ये डिज़ाइनिंग है, और 22 वाले की थोड़ी और डिज़ाइनिंग है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। डिज़ाइन भी अगर हमने छोटा बड़ा करना हो तो वो भी आसानी से मशीन से सेट हो जाता है। अगर इससे चौड़े कटवर्क भी बनाना हो तो वो भी बन जाते हैं। वो मैंने फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी से बनाए थे, उससे भी मैंने एक दुपट्टा डिज़ाइन किया था, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह हम इससे चौड़े कटवर्क रेडी कर सकते हैं। कटवर्क के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे, फिर आसानी से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। कटवर्क नीट करने के लिए मैं ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ करने लगी हूँ, इसे काविया भी बोलते हैं। जिनके पास ये काविया नहीं है वो मोर्टिन कॉयल से भी कटवर्क नीट कर सकते हैं। पहले जो मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा डिज़ाइन किया था उसके कटवर्क की फिनिशिंग मैंने मोर्टिन कॉयल से ही की थी, उसका मेथड भी आप जाके देख सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये थी जी आज की डिज़ाइनिंग, उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।